हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है तुम सबका एग्जाम से रिलेटेड एक और नए और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। देखो, अब जो हम लोग का एग्जाम 2022 में होने वाला है, बहुत नजदीक भी आ गया है, तो एक बात हमको सोच करके बताओ कि यहां से जो हम लोग एग्जाम देने के लिए जाएंगे सेंटर पर, जहां पर भी हम लोग का सेंटर पड़ेगा, क्या वो बिल्डिंग जो होगा एग्जाम सेंटर का, क्या वो अपने जान पहचान का होगा कि बिल्कुल नया होगा? बिल्कुल नया होगा, है ना। जिस पर बैठ करके हम लोग एग्जाम देंगे, जिस बेंच या डेस्क पे हम लोग बैठ करके एग्जाम देंगे, क्या वो पुराना होगा, यूज किया होगा? नहीं, वो भी क्या होगा, बिल्कुल नया होगा। उसके आसपास जो भी स्टूडेंट बैठ करके और भी कैंडिडेट जो एग्जाम देंगे तुम्हारे आसपास, तो ये 100% मतलब 99% चांस होता है कि वो लोग भी नए ही होंगे, जिससे कि तुम कभी नहीं मिले होंगे। जो टीचर्स होंगे वहां, क्या अपने टीचर्स होंगे जिनसे पढ़ते हो तुम, हम होंगे? नहीं, वहां पर भी वो टीचर्स भी नए होंगे, यानी कि वहां का माहौल सब कुछ नया रहेगा। ये बहुत ज्यादा मतलब क्या एक मतलब कि एक बड़ा चैलेंज होता है एग्जाम का, ये भी बोर्ड्स एग्जाम का, ठीक है, कि सब कुछ नया नया रहता है। तो एक बात बताओ, और कॉपी जो रहेगा जिस पर हम लोग एग्जाम सीट आंसर जिस देंगे, वो आंसर सीट वो भी नया होगा, बिल्कुल न्यू, है ना, जिसको कि हम लोग पहले कभी यूज नहीं किए होंगे। तो एक बात बताओ कि इन सब नए चीज नए लोगों के बीच में एक चीज क्या है जो हम लोग के पास अपना और पुराना रहेगा, क्या है बताओ? तो वो है हम लोगों का पेन, है ना। और इसी पे वो बात भी हम लोग करने वाले हैं कि पेन सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम जो लिखोगे, जो ओएमआर सीट को तुम कलर करोगे, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका है? पेन का। तो हम लोग क्या करते हैं, जब बाइक पे बैठ करके पापा के साथ जनरली एग्जाम देने हम लोग जाते हैं ना, बिहार के बच्चे जो भी है ना, जाते होते हैं, तो क्या होता है, तुमको जाकर के रास्ते में रोकते हैं, पापा पापा गाड़ी रोकिए, पेन लेंगे, है ना, एग्जाम देने जाएंगे। पापा भी जाते हैं, 20 रुपया वाला जेटर ला के देते हैं तुमको, लो बेटा 20 रुपया वाला पेन से लिखना। क्या ऐसा करेंगे हम लोग? बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं, है ना। जो भी योद्धा होता है, जो युद्ध में, हम लोग के लिए भी बहुत बड़ा युद्ध है ना ये, है ना, जो युद्ध में जाता है लड़ने के लिए, वो क्या लगता है कि नया हथियार नया तलवार लेकर के जाता है? बिल्कुल नहीं, वो जितना इंपॉर्टेंट युद्ध होता है उतना पुराना हथियार लेकर के जाता है, जो पहले से वो चला करके प्रैक्टिस कर चुका है। तो हम लोग का पेन भी हम लोगों के लिए हथियार है, वो हम लोगों के पास पुराना से पुराना होना चाहिए। अब पुराना मतलब एक बार लिखे खत्म हो गया, वैसा भी नहीं, मतलब योद्धा जो जाता है टूटा हुआ तलवार लेके नहीं जाता है, मतलब इतना ज्यादा प्रैक्टिस उस पर होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी तुमको करना है, जिनका भी एग्जाम 1 मंथ बाद या 2 मंथ के बाद होना है, अभी से करना है कि सबसे पहले ये डिसाइड करो कि हम लोग जो जाएंगे वहां एग्जाम देने के लिए किस पेन से लिखेंगे। यानी योद्धा को ये पता होता है कि हम लोग कौन से तलवार से युद्ध लड़ना है, है ना। जो अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए कि किस कंपनी, देखो जो भी तुमको अच्छा लगता है ना, उस कंपनी का जो है पेन अभी डिसाइड करो कि हमको इसी पेन से एग्जाम देना है, और बहुत साल से लिख रहे हो, 10 साल 12 साल से लिख रहे हो, तो ये बात का पता अभी तक चल जाना चाहिए, है ना। उसको डिसाइड करो, डिसाइड करने के बाद वो जो है ना, कम से कम अभी इस टाइम में जो है 10 पेन वो एकदम खरीद लेना, ठीक है। और तुम लोग को ये बात पहले से भी पता होगा कि जो पेन होता है हम लोगों का, कि जब स्टार्टिंग में हम लोग लिखते हैं तो वो अच्छा से चलता नहीं है, मतलब चलता भी है तो मतलब कि वो फील नहीं आता, समझ पाते हो ना, फील नहीं आता, नया नया लिखोगे अच्छा लगता है नहीं। जब पेन यहां तक आता है, यहां तक, है ना, मतलब अगर पेन हो यहां तक आ जाता है, तब फिर वो चलना बहुत फ्लुएंट स्टार्ट करता है, ठीक है। तो हम लोग को जो ये फ्लुएंसी चाहिए कहां पे, घर पे चाहिए कि एग्जाम में चाहिए? ऑफकोर्स एग्जाम में ज्यादा जरूरी है, तो वहां चाहिए। तो हम लोग करेंगे क्या, वो जो 10 पेन आज हम लोग खरीदेंगे, मतलब कल ही परचेस करोगे, ठीक है, वो जो हम लोग 10 पेन रखेंगे, यहां तक जब मतलब लिखना शुरू करेंगे, यहां तक जब आ जाएगा तो उस पेन को रख दोगे, लालच भी नहीं आओगे कि पैसा लगाए खत्म करेंगे, है ना, तो उसको बढ़िया से जो है रख दोगे। फिर इस तरह से फिर नेक्स्ट निकालोगे, नेक्स्ट वाला को रख दोगे, फिर निकालोगे रख दोगे, इस तरह से जो एग्जाम के 10 दिन पहले तुम्हारे पास लगभग लगभग ऐसा 5 से 7 पेन रहना चाहिए एकदम। और 5-7 दिन जो बचेगा, अब जो तुम लिखोगे सिर्फ वही पेन का यूज करोगे जो तुम रखे हो, 7-8 पेन, ठीक है, जो कि जिसमें से कि कुछ पेन तुमको एग्जाम में भी काम आने वाला है। तो एग्जाम देने के लिए जब जाओगे, क्या करना नहीं करना उसके लिए तो वीडियो हम लोग लाएंगे, लेकिन तुम्हारे पास कम से कम 2 या 3 पेन, 2 नहीं 3 पेन ही ऐसा जो है तुम्हारे साथ एग्जाम सेंटर में जरूर जाना चाहिए। 3 पेन अब क्यों, क्योंकि 3 पेन से क्या होगा, 1 पेन तुम अपने लिए रखोगे, है ना, हो सकता है इमरजेंसी में कहीं खराब हो गया तो फिर काम आएगा एक, और एक हो सकता है किसी और को काम आ जाए, है ना, तो सबका सोचना है, है ना। तो इसलिए तो 2 या 3 पेन ऐसा रखोगे और इसको एकदम यहां तक पहुंचाओगे, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, एकदम अप्लाई करोगे, ठीक है, मार्क्स में डिफरेंस पड़ेगा, एकदम पड़ेगा, ठीक है, फील भी आएगा, पुराने यहां तक पेन से लिखोगे ना फील भी आएगा, मजा भी आएगा, समझ आ रहा है, कोई चीज ऐसे नहीं बता देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो तुम लोगों के लिए हेल्पफुल है और होगा ही, है ना। और अगर तुमको लगता है कि वीडियो किसी को पहुंचाना चाहिए तो जरूर शेयर, तुम लोग तो जानकार है, कर देना क्या जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरह के हम लोग, फिर कुछ आइडिया आने, फिर कुछ वीडियो बनेगा, फिर तुम लोग तक पहुँचाएंगे, तब तक जो है तैयारी करो, कैसे, हाँ सिद्ध, तो पूरा फुल तैयारी, ठीक है,
है ना, तैयारी इंपॉर्टेंट है बाबू, है ना। मार्क्स जो है उतना ही आता है जितना हम लोग तैयारी करते हैं, एकदम एकदम गारंटी है ये, ठीक है। तो फुल्ली लग करके एकदम मेहनत से तैयारी करो, ठीक है। मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द एक और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल, और इस बार जो वीडियो आएगा कुछ भयंकर धमाकेदार लाएंगे, ठीक है। मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, पूरा तैयार, ठीक है, बाय।